कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जनपद पुलिस कड़ाई से पालन करवा रही है। इस दौरान अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है तथा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके वाहनों का चालान करने के साथ जुर्माना भी वसूल रही है। आंशिक कर्फ्यू में बिना परमिशन के निकल रहे ऑटो का चालान भी किया जा रहा है। बुधवार को अम्बेडकर चौक पर पुलिस ने बिना परमिशन के चल रहे ऑटो का चालान किया तथा महानगर के विभिन्न चौराहों एवं सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा, लेकिन दुकानें बंद रही, जिसमें हरिओम नगर तिराहा, आरटीओ तिराहा, इंद्रबाल बिहार, सिविल लाइन रोड सहित अन्य क्षेत्रों में कर्फ्यू का असर रहा। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि महानगर में लॉकडाउन को लेकर 41 जगहों पर बैरिकेडिंग किया गया है तथा ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। एसपी सिटी ने कहा कि लॉकडाउन का अच्छे से पालन कराया जा रहा है, किसी भी तरह का लोगों को परेशानी ना हो और अनावश्यक रूप से घूम रहे उनका चालान कर गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट ने ऑटो वालों का किराया फिक्स किया है। अगर जो भी ऑटो चालक सवारियों से मनमाना किराया लेते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, बच्चे के नाम पे चलो जाओ। ये लॉकडाउन के लिए जो है चेकिंग चल रही है 41 पॉइंट्स पे, इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन भी है, 10 अलग बैरियर उसके लिए लगाए गए हैं, वीवीआईपी मूवमेंट भी है यहाँ पे, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो रूट में या कहीं पर। तो ये दोनों चीज़ें कराई जा रही हैं। लॉकडाउन के अलग से प्रभारी बना दिए गए हैं एक सीओ, जिनका यही कार्य है कि नगर क्षेत्र में घूम करके वो लॉकडाउन का अनुपालन अपने स्तर से कराते रहते हैं। जो अनावश्यक निकल रहे हैं उनके चालान हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां सीज की जा रही हैं, मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। जो ज़्यादा देखिए, ऑटो की सवारियों के रेट जो है सिटी मजिस्ट्रेट ने फिक्स किए थे, अगर उससे ज़्यादा कोई चार्ज करता है तो उस पर भी विधिक कार्रवाई की जाती है।